हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुनैना। सो आज हम करेंगे जो क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन, हम उसकी जो आइडेंटिटीज जो उस चैप्टर में यूज़ होनी है स्टार्टिंग में, तो हम उसके बेसिक के लिए जो आइडेंटिटीज यूज़ होनी है हम वो लिखेंगे। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सो ये सबसे ईजी तरीका है। पहले हम ईजी बिल्कुल आइडेंटिटीज़ बताएंगे और फिर आपको एकदम मतलब आ जाएगा। सो हम करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 डिफ्रेंशिएशन। सो हम करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी, हमें अगर ऐसे दे रखो y इक्वल्स टू x की पावर में n, सो हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा n, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये हमें दे ऐसे होगा ये, और चाहे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमें दे रखा वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर में 7/2, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये जो पावर आगे आ जाएगी 7/2 डॉट एक्स, जो 7/2 है उसमें से 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगी 7/2 डॉट एक्स की पावर 5/2। सो जो सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास वो है, हमें अगर ऐसे दे रखा हो y इक्वल्स टू ए एन प्लस बी की पावर नो ए एक्स प्लस बी की पावर n, सो ये कैसे सॉल्व होगा, हम इसका डिवाइड बाय डी एक्स करेंगे तो ये जो पावर है वो आगे ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन, और किसका डीवाई बाई डी एक्स जो ये है इसका, मतलब दोबारा डीवाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का, और इसको हम ऐसे लेंगे जैसे कि एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन पावर। सो हम क्या करेंगे, जो ए है और जो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 1 आता है, प्लस जो अकेला कांस्टेंट हो जैसे कि b है, इसमें तो x था a के साथ इसलिए इसको हमने a ही रखा एज इट इज, लेकिन जो b है वो बिल्कुल अकेला है तो इसका हम 0 रखेंगे। सो ये होगा डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें पावर में दे रखा हो n की जगह उसको पुट करके, और सिर्फ यहाँ 1 a रह जाएगा, सॉरी a रह जाएगा, तो हमारे पास ये होगी हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, सो हम आइडेंटिटी नंबर 3 लेते हैं, तो हमें y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दे रखा हो मतलब c दे रखा हो, तो ये डी उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0, क्या होगा 0। ओके जैसे कि हमें y इक्वल्स टू एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स टू 7x दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा उसका 7 × 1 x का 1, तो ये होगा 7। और हम अगर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के साथ कुछ भी a दे रखा हो तो इसका dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0। अगर y इक्वल्स टू 7 प्लस x दे रखा हो, x का स्क्वायर दे रखा हो, तो dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट है अकेला तो 0 प्लस जो पावर में है वो 2 और x, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 ही हो जाएगा, इसका वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है फोर्थ जो है वो यूज होती है, जो है प्रोडक्ट फॉर्मूला। सो तो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू u इंटू में v, कोई भी ये दो वो लगा लो इंटीजर या कुछ भी, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू फर्स्ट और सेकंड, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे और इसको हम सेकंड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज, तो डिफ्रेंशिएशन किसका फर्स्ट का। सो हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमें दे रखा हो y इक्वल्स टू 2x प्लस
थ्री और एक दे रखा हो 4x का स्क्वायर। सो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक तो यही 2x प्लस 3 हमें ये दे ही रखा है वैसे भी। तो हमने क्या किया, जैसे कि अब ये फर्स्ट है, इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया, इसको हमने सेकंड लेट कर लिया, और dy बाई डी एक्स इसका 4x स्क्वायर का प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स किसका 2x प्लस 3। सो इसको हम आगे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में लेते हैं, इसका आ जाएगा 8x प्लस 4x स्क्वायर, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास से ओनली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो ये है हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज, और आगे है हमारे पास एक और है जिसको हम, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्वेश्चेंट फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। क्वेश्चेंट फॉर्मूला जैसे कि हमें दे रखा हो, अब उसमें तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या था, जिसमें मल्टीप्लाई हो दो, मतलब कुछ भी हो वो दो मल्टीप्लाई में, और इसमें क्या है, जो दो है हमारे पास, दो कुछ भी चाहे इंटीजर है चाहे कुछ भी, तो वो क्या हो हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो इसका हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या होगा, जैसे कि इसको हमने फर्स्ट माना और इसको हमने सेकंड माना, तो ये क्या होगा सेकंड एज इट इज, dy बाई डी एक्स इसका फर्स्ट का प्लस सॉरी माइनस फर्स्ट एज इट इज dy बाई डी एक्स इसका सेकंड का, और अपॉन में जो सेकंड है हमारे पास उसका जो है वो स्क्वायर। तो हमने मतलब एग्जांपल के तौर पे लिया है 2x y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन में 4x स्क्वायर, तो इसका dy बाय dx क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट सेकंड है तो 4x स्क्वायर, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू में 1 प्लस 0 कांस्टेंट है, माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और इसका हो जाएगा 4 इंटू में 2x अपॉन में 4x स्क्वायर का भी स्क्वायर। सो जिनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम क्या कह रहे हैं कि जो ये वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर में और बनाऊं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आने वाली वीडियो की वो आपको मिल जाए। सो थैंक यू।